गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लैक ब्रो। आज मेरे पास ट्विटर रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ है, तो चलिए पहले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। पहला न्यूज़ है नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय से रिलेटेड। तो क्या नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय बिग बॉस के समय थोड़ा बायस्ड थे फुकरा इंसान की तरफ? जी हाँ, इसी बात को कोट करते हुए रैंडम सेना ने अपने ट्विटर स्पेस में ये कहा, आप इस क्लिप में देख सकते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ मजाक मस्ती से हटके सीरियसनेस में बताता हूँ तुम्हें। भाई देखो भाई, साफ साफ इंक्लिनेशन तुम्हारा और नियॉन मैन का दिखा पूरे सीजन में। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और तुम इस चीज को नहीं मानोगे तो शायद फिर भाई तुम गलत हो। सीधी बात है, इंक्लिनेशन दिखा। मुझे नहीं लगता है भाई तुम पैसे लियो, मुझे सीरियसली नहीं लगता, लेकिन पूरा इंक्लिनेशन तुम दोनों का उसके प्रति था। ये मैं बोलता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है भाई। अब तुम और मुझे इसीलिए ये गलत लगा, और इंक्लिनेशन होना गलत बात नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर आप YouTube इंडस्ट्री में आप दो चैनल हैं जो न्यूज कवर करते हैं, तो आपका इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से न्यूज दिखा रहे हैं यूट्यूबर्स का, तो आपका इंक्लिनेशन गलत है। ये चीज भाई, जब भाई एक बार बताता हूँ बिग बॉस, एक बार बताता हूँ बिग बॉस जब चला था, हमने वही दिखाया है जो वहां पे बोला गया है, सेम एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किया गया है। तो हाँ, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अगला न्यूज़ है कल का लौंडा से रिलेटेड। जी हाँ, कल का लौंडा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे अभिया फैंडम से, क्योंकि मनीषा फैंडम वाले ट्विटर में स्पेस बनाकर फुकरा इंसान को बहुत ही ज़्यादा गाली दे रहे थे यार। और जैसा कि आप कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और कल वे एक फुकरा इंसान के फैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। कल का लौंडा इसके ऊपर इसलिए गुस्सा था क्योंकि ये मनीषा रानी को गाली दे रहा था अपने ट्विटर स्पेस में, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। यार क्या कर रहा है नी? अबे ये निशांत ये बहुत गाली गलौज कर रहा है भाई। ओके भैया मैं भी जा रही हूं। शिट लाइसा शिट, एक मिनट चुप रहो यार, एक मिनट, एक मैं बात करता हूं। गाली कैसे दे रहा है बे? कहां है, कहां भागा तू? गाली क्यों दे रहा है तू, एक बात बता किधर गया? वैसे मैंने नहीं दिया था उसको माइक। कौन दिया था उसको माइक? जो ये दूसरी कोहोस्ट पे बैठी है ना वो। अरे नहीं, मैं तो भावित का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही थी। बुला उसको, अब गलती से हुआ होगा। केकेएल क्या हो गया भाई? केकेएल भाई कितनी गंदी गंदी स्पेस चलाई, जोन तू सुनेगा ना तू बोलेगा भाई अंकित बयानपुरिया से रिलेटेड। क्या हो अगर आपका 1000 फॉलोअर वाला ट्विटर अकाउंट उड़ जाए? आप परेशान हो जाओगे राइट, पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर वाला इंस्टाग्राम उड़ने पर अंकित भाई का रिएक्शन आप देख सकते हैं। ये मेहनत कर ला रहा था, एकदम इंस्टाग्राम खोल कर देखा, सीधा लखाया तेरा अकाउंट डिलीट हो गया। हो गया तो हो गया भाई, क्या कर सके, आओगा आ जाएगा ना तो ना सही, अपने भी घर आ जाऊंगे आराम तो दातन करते। तो चलिए अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। ये न्यूज है हर्ष स्लैश से रिलेटेड। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये एक यूट्यूबर है जो फनी रोस्ट वीडियो बनाते हैं, बट इनके चैनल को मास रिपोर्ट करवाया जा रहा है और रिपोर्ट करने के कुछ पैसे भी दिए जा रहे हैं। ये रहा कुछ स्क्रीनशॉट, आप अगले स्क्रीन में देख सकते हैं। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है इसराइल से रिलेटेड। जी हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, इसी से रिलेटेड और एक न्यूज़ है अदनान 07 को लेके। तो क्या अदनान 07 फिलिस्तीनी आतंकवादी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अभी इसराइल में आतंक फैला रहे हैं? उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक रील पोस्ट किया, आप वीडियो देखिए पहले। इस वीडियो से इंडिया के बहुत सारे लोग ऑफेंड हो रहे हैं और मुंबई पुलिस को भी टैग कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस रील के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है गुजरात के एक इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो हाँ यार, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, आप ऐसी गलती कभी मत करना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करो। बाय।